आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ठंडा ठंडा चिल्ड क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट के जैसे क्रीमी क्रीमी है। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपका भी आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी क्रीमी घर में ही बन के रेडी होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 छोटा बाउल ले ली हूँ और साथ में ही ले ली हूँ बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैं 4 स्पून रख रही हूँ। ये बड़ा स्पून है बड़े साइज़ का, अगर आपको कम बनाना है तो छोटे साइज़ का भी ले सकते हैं। और साथ में ही 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर ज़रूरी है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्रीमी बन के रेडी होगा और ये थिक बन के रेडी होगा। तो मैं साथ में ही थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करके मिक्स कर दे रही हूँ। गर्म दूध नहीं ऐड करना है, या तो आपके पास ठंडा दूध हो या फिर थोड़ा सा गुनगुना हो। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और ये अब दूध को भी मिक्स कर ले रही हूँ। इसे ठंडे में इसलिए मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, गर्म में ऐड करने पे इसकी गुठलियाँ बन जाता है। और ये देखिए कस्टर्ड और मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, तो मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। और यहाँ पर गैस का फ्लेम कर ली हूँ ऑन और एक पैन ले ली हूँ और पैन में रख ली हूँ करीबन 250 ग्राम जितना इसमें दूध रखी। अगर आपको ज़्यादा क्रीमी बनाना है तो इसमें थोड़ा सा दूध का मात्रा ज़्यादा कर दे और थोड़ी देर के लिए दूध को अच्छे से पका ले। तो अब इस दूध में उबाल आ गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ केसर के कुछ धागे। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ऐसे वाइट क्रीमी क्रीमी दिखता, लेकिन मैं थोड़ा सा येलोनेस पे बना रही हूँ आइसक्रीम, तो मैं थोड़ा सा इसमें केसर के कुछ धागे ऐड कर दी हूँ। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कलर चेंज करने पर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बस थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर रही हूँ, तो थोड़ा सा रखिए ताकि थोड़ा सा येलोनेस आ जाए इसके अंदर। और मैं इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। और मिल्क पाउडर मैं इसमें घोला हुआ ऐड कर दी हूँ और साथ में ही ऐड कर दी हूँ घोल के जो मैं रखी थी कस्टर्ड पाउडर। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाऊँगी क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा हो जाता है और गुठलियाँ बन सकता है। तो इसे थोड़ा थोड़ा रखें और कंटिन्यू चलाते रहें और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो ही रखना है क्योंकि हाई करने पे जल जाएगा और अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो ये इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये आइसक्रीम है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मीठा कम हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो अब मैं यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट कंप्लीट कर ली हूँ, अच्छे से ये पक गया है। तो अब मैं इसे रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ और ये देखिए ये आइसक्रीम का बैटर बिल्कुल ठंडा होके हो गया है रेडी। और देखिए ऊपर काफ़ी येलोनेस आ गया है केसर की वजह से, और इसे मिक्स करने पर अंदर थोड़ा सा वाइटनेस ही है। तो मैं इसे साइड में रख ले रही हूँ और ले ली हूँ एक प्लास्टिक का डब्बा। आप चाहे तो किसी भी कांच के डब्बे में आप रख के इसे बना सकते हैं, लेकिन स्टील के डब्बे में मत रखिए क्योंकि स्टील के डब्बे में बहुत जल्दी आइस जम जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक या फिर कांच के डब्बे में ही इसे रखें। और इसमें रखने के बाद मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आइस न जमने के लिए मैं इसे फॉइल पेपर से कवर कर लूँगी। और ये देखिए इसे मैं फॉइल पेपर से कवर करके इसका मैं कैप लगा दूंगी और इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रखते हैं तो फिर टाइम लग जाता है इसे फ्रिज होने में। और मैं यहाँ पे फ्रीज़र में देखिए ये रख दी हूँ और फ्रीज़र कर दी हूँ बंद। और 4 से 5 घंटा हो गया है कम्प्लीट। और ये देखिए आइसक्रीम का जो बैटर है काफ़ी थिक हो गया है और काफ़ी चिल्ड हो गया है। और ये देखिए काफ़ी फ्लपी भी है अभी, लेकिन आगे का प्रोसेस हमें जारी रखना है। तो मैं यहाँ पे एक जूसर ले ली हूँ, ये मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। फिर मैं इसे चेक कर ले रही हूँ जूसर में, अगर इसमें अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा फिर मैं इसे वापस में मिक्सी के जार में रख के इसे ग्राइंड कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं 2 से 4 बूंद के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेनिला एसेंस और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। इससे क्या होता है कि हमारा जो आइसक्रीम बनके रेडी होगा ना, काफ़ी मार्केट के जैसे लगेगी, क्रीमी क्रीमी बनके रेडी होगा और काफ़ी टेस्टी लगेगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे जूसर में रख ली हूँ, लेकिन ये अच्छे से ग्राइंड हो पाएगा कि नहीं ये भी मुझे टेंशन ही है। तो यहाँ पे मैं मिक्सर कर दी हूँ ऑन और लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ और वापस से मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सर के जार में और इसमें मैं कर ले रही हूँ ग्राइंड। और ये देखिए काफ़ी स्मूथ सा पेस्ट बनके रेडी हो गया है आइसक्रीम का।
ये देखिए काफ़ी क्रीमी क्रीमी भी लग रहा है और काफ़ी बबल्स भी आ गए इसके अंदर। तो मैं वापस से उसी डब्बे में इसे ऐड कर दे रही हूँ जिसमें से मैं निकाली थी। और ये देखिए, और मैं यहाँ पे दूध का थैली ले ली हूँ और अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और मैं इसे पहले नाप ली थी, उसके बाद मैं इसे कटिंग कर ली हूँ। और जो आइसक्रीम का फेस है उसे टच करके इसे कवर कर देना है और कैप लगा के इसे फ्रीजर में रख देना है 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए, ताकि अच्छा सा आइसक्रीम बन के रेडी हो। इसे पहले नहीं निकाला है, 4 से 5 घंटे में इसे नहीं निकालना है। तो मैं यहाँ पे रख दी हूँ और इसे 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दी हूँ। और ये देखिए 8 से 10 घंटा कंप्लीट हो गया है और ये टेस्टी आइसक्रीम बन के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध का थैला हटा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऊपर काफ़ी प्यारा लग रहा है ये देखने में और काफ़ी बबल्स बन गया है, जैसे बिल्कुल ना मार्केट के जैसे लग रहा है। ऐसे ना बिल्कुल ये मार्केट में इसी तरीके से मिलता है आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम स्कूप ले ली हूँ। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप नहीं है तो आप किसी भी स्पून की मदद से इस तरीके से निकाल सकते हैं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको देखने से पता चल ही गया होगा कि ये कितना ज़्यादा क्रीमी और क्रीमी के साथ साथ ये कितना ज़्यादा टेस्टी हो सकता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा और बहुत ही कम खर्च में आप बहुत सारा आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं। और बहुत लोग खाना खाने के बाद भी आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से बना के अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से आइसक्रीम बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका आइसक्रीम कैसा बना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।